सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। दुनिया में हमसे कोई पूछे कि महाराज दुनिया में सबसे ज्यादा चालाक कौन है, तो हम तो ये कहेंगे सबसे ज्यादा चालाक ये देवता है। दुनिया में सबसे ज्यादा चालाक कौन है, ये देवता लोग है। देवताओं ने समुद्र मंथन किया और समुद्र मंथन करते समय महाराज सबसे पहले विष निकल गया, तो सारे देवताओं ने मीटिंग करी है। बोले भाई अब क्या करें, ये विष तो हम नहीं पी सकते हैं। देवताओं ने कहा एक काम करो, अपन भगवान भोलेनाथ के पास चलते हैं और भोलेनाथ से एक ही बात कह देना कि महाराज समुद्र मंथन करते समय हमने संकल्प लिया है कि सबसे पहले पहले जो चीज निकलेगी वो भोलेनाथ को अर्पण करेंगे। सबसे पहले जो प्रसाद निकलेगा भोलेनाथ को अर्पण करेंगे। आहा, सारे के सारे देवता भगवान श्री शंकर के पास में जाके चरणों में वंदन करते हैं। भगवान भोलेनाथ ने कहा देवताओं क्यों गड़गड़ा रहे हो आज, आखिर बात क्या है, इतने गड़गड़ाने की आवश्यकता क्या है। बोल नहीं महाराज, हमने समुद्र मंथन किया है और समुद्र मंथन करते समय संकल्प लिया है सबसे पहले वस्तु तो भोलेनाथ को अर्पण करना है। भगवान भोलेनाथ हंसने लगे, अरे देवताओं कहीं अमृत निकल जाता तो क्या मेरे पास लेके आते क्या, ये विष लेख निकला है तो आप मेरे पास आए हो, लेकिन तुमको नहीं पता कि मेरे बगल में कौन बैठी है, और मैं आपके बगल में जगजननी भगवती परम्बा माता पार्वती बैठी है। भोलेनाथ ने कहा तुमको नहीं पता कि यह पार्वती हमें विष पीने देगी क्या। अरे भले आदमी कोई भी कोई पत्नी अपने पति को विष पीने के लिए कह देगी क्या, अरे बोलो ना, नहीं कहेगी। मांगीलाल जी कह रहे हैं कि पुराने जमाने वाली बिल्कुल नहीं कहेगी, लेकिन आजकल वाली का भरोसा भी नहीं है, ध्यान रखना। पुरानी जो माताएं बैठी है वो तो बिल्कुल नहीं कहेंगी, लेकिन जो आजकल वाली है उसका कोई भरोसा नहीं है, हाँ कभी भी कह सकती है। गोविंदा ये नमो। भगवान भोलेनाथ ने कहा नहीं, हम विष पीने की हमारी आदत नहीं है, और माता पार्वती हमें पीने भी तो नहीं देगी। माता पार्वती हमें कैसे पीने देगी, ऐसे कैसे विष हम पी सकते हैं। मनी मन विचार किया कि अब करना क्या चाहिए। सज्जनों सारे के सारे देवता मां के चरणों में प्रणाम किया। मां से बड़ा कोई नहीं होता है। मां के श्री चरणों में महाराज जैसे ही प्रणाम किया है, मां भोलेनाथ ने इस विष का पान नहीं किया ये संसार जलकर भस्म हो जाएगा। मां ये भोलेनाथ ने इस विष का पान नहीं किया तो सारा का सारा संसार भस्म हो जाएगा। आत्मा त्वं गिरजा मति सहचरा प्राण शरीरम गृहा पूजा देवी सयोग भोग रचना निंद्रा समाधि स्थिता। मां यदि भोलेनाथ को आपने आदेश नहीं दिया तो फिर संसार भस्म। मां की आदेश की पालना करते भोलेनाथ, और भाई करना ही चाहिए और करने में ही फायदा है। आज मां ने आदेश किया आपने भोलेनाथ से, स्वामी यदि आप इस विष का पान नहीं करते हो आप तो आप हो। जो आदेश दिया भागवत जी में लिखा है, भोलेनाथ ने दोनों हाथ आगे बढ़ाए। तत्कर तली कृत्या ख्यापाहला हलम विषा। देवताओं विष लाओ, देवताओं मेरी हथेली में विष डालो। समस्त देवताओं ने भगवान की कृतली में जो विष डाला है, भगवान श्री नारायण जैसे ही श्री शंकर विष का पान करने लगे
एक दो बूंद नीचे गिर जाता है। जैसे एक दो बूंद नीचे गिरा और उस एक दो बूंद धरती पे गिरते ही बिसेले जंतु जितने दिखाई दे रहे हैं, सर्प है, बिच्छू है, कंटक है, ये सारे उस विष के प्रभाव से जीव का प्रादुर्भाव हुआ। और भगवान भोलेनाथ ने विष जैसे ही ग्रहण करने लगे, शंकर ने सोचा मेरे हृदय में तो साक्षात श्री कृष्ण बैठे हैं, हृदय में तो राम जी बैठे हैं, कहीं महाराज राम जी को विष से तकलीफ न हो जाए। उस समय भोलेनाथ ने विष को कंठ में धारण करके रखा है और भोलेनाथ का महाराज कंठ नीला हो जाता है। देवताओं ने जयकार का घोष कर दिया, जोर से जयकारा, बोले नील कंठ महादेव। भगवान भोलेनाथ का कंठ नीला हो जाता है, देवताओं ने एक नाम और दे दिया, नील कंठ महादेव।